गया। अरे रुक ना, लिपस्टिक तो लगाने दे पहले। यार लाइट चल रहा है। यार लिपस्टिक लगा लूँ ना, मुझे भी तो देखना है लिपस्टिक वाले सपने। यार कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है, लिपस्टिक भी अच्छी लग रही है। तो जीनिया, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं लाइव में? मैं तो डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं क्यों लिपस्टिक वाले सपने देखना चाहती हूँ, क्योंकि यार सही बताऊँ, मैंने कल ये फिल्म देख ली, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। आई नो फिल्म इज नॉट रिलीज येट, बट थैंक्स टू प्रेशोस, थैंक्स टू द कंपनी, थैंक्स टू डीएम, वी जस्ट गॉट टू वॉच लिपस्टिक अंडर माई बुरखा अ डे 2 days बिफोर इट्स रिलीज इन अ प्रेस शो। और भैया मुझे तो जाना है वहाँ पे, मुझे देखना है ये लिपस्टिक वाले सपने, और मैं उन सपनों में होना चाहती हूँ, मैं इन सपनों तो को ये जी जीना ये चाहती हूँ। लिपस्टिक अंडर माई बुक बुरका की जगह ये लिपस्टिक वाले सपने, ये कैसे आया? मतलब ये टाइटल आप कैसे दे सकते हो, क्योंकि यार इसका इस फिल्म का नाम तो कुछ और है। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा इज द नेम ऑफ द फिल्म डेफिनेटली, बट तुझे नहीं लगता कि लिपस्टिक वाले सपने अच्छे होते? क्यों होना चाहिए? अब इसके लिए तो तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सबको थोड़ा हाँ सा लिपस्टिक लगा के सज धज के जाना होगा, और लिपस्टिक के साथ लिपस्टिक रेबिलियन करना होगा, तब जाके पता चलेगा कि ये लिपस्टिक वाले सपने एक्चुअली है क्या, और क्यों सबको ये लिपस्टिक वाले सपने देखने मुझे चाहिए। लगता है कि जो डायरेक्टर और जो राइटर है अलंकृता, उन्होंने जो ये टाइटल दिया है इसका कि लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, जो अंडर माई बुरखा टाइटल है, इसका मतलब सिर्फ बुरखा से नहीं है, इसका हाँ मतलब है कि जो एक पर्दे से जिसके अंदर महिलाओं की जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो दबी हुई हैं, और वो किस तरीके से फिल्म के जरिए उजागर होती है। तो इस फिल्म का टाइटल इस बेस पे दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने सुख किसी और चीज से कनेक्ट हाँ करने की कि कोशिश की बहुत है, बार ये बोला गया है कि प्रॉबली इट्स टारगेटिंग इस्लाम और इस्लाम टारगेटिंग और मुस्लिम मुस्लिम। विमेन और मे बी टॉकिंग अबाउट इट। इट्स नॉट दैट। बुरखा स्टैंड्स फॉर अ वेल, द वेल दैट एवरी वुमन प्रॉबली वेयर्स सो एज टू कीप सो मेनी डिजायर्स, सो मेनी थिंग्स टू हर सेल्फ। आप ये बात आई थिंक लड़कियों पे मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। आप लड़की हो, आपको बोला जाएगा कि बेटा ये मत करो, बेटा इस टाइम पे बाहर मत जाओ, बेटा आप ये प्रोफेशन चुन के क्या करोगी, आप ये बन जाओ, ये आपके लिए आसान होगी, बेटा आपकी उम्र हो रही है, शादी कर लो। हाँ तो ये ही मुझे लग रहा है कि जो इस फिल्म को बैन किया गया था इंडिया में, मुझे लग रहा है इन्हीं सभी रीजन की वजह से किया गया था, ताकि जो महिलाओं की आजादी है या उनकी जो इच्छाएं हैं वो जो उभर कर सामने आई है इस फिल्म में, वो बाहर ना आ जाए समाज में। जो जो नहलानी जी ने किया है कि इस तरह उनको उनको लगा शायद ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह बेटा से नहलानी जी को तो यही से प्रॉब्लम थी कि कि ये ये चीजें ग्रेट ग्रैंड मस्ती तो है नहीं, ये मस्ती ज्यादा तो है नहीं, जहाँ जिसमें पे लड़कों के लिए जो ज्यादा लड़कों के तो आपको पता ही है वहां पे क्या क्या होता लड़के है, उनका क्या कहने। दिखाया जाता है और क्या सब वल्गर सीन्स है। बेटा ये तो वो नहीं है ना, ये तो ये है कि आपको थोड़ा सा वो लड़कियों के भी इच्छाएं होती है। इवन विमेन मास्टरबेट, ओ माई गॉड डूड, विमेन आर सेक्सुअल बींग्स, ओ माई गॉड, हाउ कैन यू से दैट अबाउट द डॉटर्स एंड मदर्स? तुम ऐसे फोटोसिंथेसिस में पैदा हुई थी यार। यार यही इसी वजह से जो इस फिल्म की कहानी बताई गई है कि 4 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, और इसमें डायरेक्टर ने बहुत ध्यान रखा है कि हर उम्र की महिला इसमें शामिल है, चाहे वो 53 साल की बुआ जी हो या फिर जो बाकी 3 लड़कियां हैं वो शामिल हो, हर वर्ग की महिला शामिल है, हर किसी पे फोकस किया गया है। आप इस फिल्म को देखने के बाद जोड़ेंगे अपने आप को कि ये शायद किरदार मेरा है, या इस किरदार को मैं जी रही हूँ, या ये मेरे साथ भी हुआ है। जो जो सीन, जो छोटे मोटे रोल, जो छोटे मोटे डायलॉग जो इस फिल्म के जरिए क्रिएट हुए हैं, वो पहले कभी किसी फिल्म में आपने नहीं देखे होंगे। आप जरूर बाकी फिल्मों से भी अपने आप को जोड़ के देखते होंगे, लेकिन जिस फिल्म में जो है वो चीजें बोलने वाली नहीं है, आप कभी शायद उसको बयां ना कर पाए अपनी बातों से, लेकिन आप देख कर ये जरूर समझ जाएंगे कि ये चीज है जो ये मेरे लायक बनी है या मेरे लिए बनी है। आई थिंक दिस फिल्म इज मेड ऑफ लिटिल मोमेंट्स, बहुत ही छोटी छोटी छोटी। सी, हाँ मतलब जो सीन आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि ये कुछ खास है, उस सीन में इतने अच्छे से जान भर दी गई है कि आपको लगता है कि यार ये पर्दे के सामने जो औरत है जिसको मैं देख रही हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि कोई और है, मुझे लगता है ये मैं हूँ, मैं वहां पे खड़ी हूँ और मेरे साथ ये हो चुका है, ये मैं ही हूँ, मेरी ही स्टोरी है। ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस फिल्म इज इट नेवर गेट्स ओवर बोर्ड विद इट्स मैसेज ऑफ सेइंग कि कैसे लड़कियों की ख्वाहिश होती है या कुछ भी होता है, या सोसाइटी लड़कियों और लड़कों को कैसे अलग से देखती है। आई थिंक इट्स वेरी सटली
एक सेंटेंस में या एक दो सेकंड के सीन करेक्ट में ये बहुत अच्छे से दिखा देती है कि यार लड़कियों की जगह तो ये है, लड़कों की जगह तो ये है। और मुझे लगता है इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि ऑडियंस का जो एक फिल्म को देखने का नजरिया है वो बदलने का बहुत अच्छा प्रयास है मेरे ख्याल से। क्योंकि आज के पहले हमने जितनी भी फिल्में देखी हैं हमने उन फिल्मों में मतलब अपने आप को जोड़ा जरूर है लेकिन अपने आप को बदला नहीं, अपनी सोच को नहीं बदला है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद चाहे वो लेडीज हो चाहे वो कोई मेल कैरेक्टर हो या मेल पर्सन हो जो इस फिल्म को देखने जा रहे हैं वो जरूर ये कहेंगे कि इस तरह की फिल्में जरूर बननी चाहिए, उन पर बैन नहीं लगना चाहिए। और इसी वजह से जो ऑडियंस है जिनके पास एक बिल्कुल लिखा हुआ मतलब सोचा समझा दिमाग है कि ये फिल्म इस तरीके की है और हम इसी तरीके की फिल्में देख सकते हैं, तो ये ऑडियंस को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी फिल्म जो डायरेक्टर ने बनाई है, बहुत कुछ ध्यान रखकर बनाई है, इसकी जो स्टोरी है वो इतनी स्ट्रांग है कि लगता है कि डायरेक्टर इस तरीके की महिलाओं से मिली है पहले या उन्होंने अपनी लाइफ में या ऐसा कुछ देखा है या किया है जो उन्होंने बारीकियों को उभारा है, ऐसे ऐसे पहलुओं को छुआ है जिसको पहले कभी किसी फिल्म में या किसी किताबों में भी आपने शायद नहीं देखा होगा। किताबों में शायद हो, but I like to disagree with you, Usha, on this point that the director wants to tell you to change. The director is not actually giving any message. The director is not preaching anything. The director is not telling you that do this, do that. ये movie वैसी एक unsettling movie है जहाँ पे आपको समाज को, हम सब को बस एक आईना उठा के दिखा दिया जाता है कि ये देखो बेटा तुम यहाँ हो, ये समाज यहाँ पे है और ये जो भी points पे तुम्हें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये तो एक गंदगी है, वो तुम्हारे साथ भी है, सबके साथ है, तुम इसी में जीते हो। एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग पॉइंट हियर इज दैट ये फिल्म कोई सल्यूशन आपको नहीं ऑफर करती, इस फिल्म में सल्यूशन नहीं होता, इस फिल्म में बस दिखाया जाता है यही है असलियत क्या, सल्यूशन आप ढूंढो, सल्यूशन आप अपने अंदर से निकालो कि कहाँ पे जा सकते हो और कहाँ पे। मेरे ख्याल से ये देखने के बाद जो सल्यूशन की आपने बात की है वो एक दिमाग खोलती है कि आपको रास्ता कह लो या कि आपको अगला स्टेप क्या करना है या इस फिल्म में अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जज कर लेते हो कि अगला सीन क्या हो सकता है या अगला क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो अभी आया है, इसके बाद मुझे और भी स्टोरीज होंगी जो इस तरीके की फिल्में इस तरीके की कहानी पे बनेंगी। विल टेक अ फ्यू ऑडियंस क्वेश्चंस टिल देन। जिया अतिया ने बोला है हाउ आर यू, हाय जिया वी आर फाइन। ऑब्वियसली हम लोग लिपस्टिक लगा रहे हैं और लिपस्टिक वाले सपने देख रहे हैं तो हम लोग अच्छे तो होंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुतों ने बोला है हाय मस्त, थैंक यू। शिफाली हैज सेड हुज स्टोरी इज द बेस्ट इन द मूवी आउट ऑफ द फोर वुमेन। शिफाली, ये मूवी काफी इंटरवुवन है, एक दूसरे से काफी जुड़ी हुई है और ऐसे नहीं है कि अलग अलग से स्टोरी दिखाई जा रही है, सब में इन चारों लड़कियों में आप खुद को देख पाएंगी। लेकिन मुझे फिर भी लगता है जो सबसे ज्यादा पाथ ब्रेकिंग या कुछ भी दिखाया गया है वो बुआ जी है। बुआ जी मतलब रत्ना पाठक शाह, शी इज अ 55 ईयर ओल्ड वुमन, शी इज अ डिवोर्स्ड, आई एम सॉरी शी इज अ विडो एंड शी हैज हर सेक्सुअलिटी। ऐसा नहीं है कि आप अगर 55 साल के हो या आप मना है या आप विधवा हो गए हो तो आप में सेक्सुअलिटी चली जाएगी। शी हैज बीन गिवन दिस दर्जा कि आप मम्मी माँ समान हो, बुआ जी हो, तो ये सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर ही लेती है कि सेक्सुअलिटी नाम की कोई चीज तो उनके पास होनी ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है जिस तरीके का किरदार, मैं ज्यादा मतलब बोल रही हूँ अब तो बहक गई हूँ मैं, और मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी काफी डिफरेंट थी एंड बहुत डिफिकल्ट थी इस तरीके का किरदार निभाना। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस, इट्स ब्रिलियंट एंड कूडोज टू अलंकृता एंड कूडोज टू रत्ना पाठक शाह दैट दिस हैज कम आउट सो वेल। और मुझे लगता है रत्ना पाठक शाह ने जिस तरीके का ये किरदार निभाया है शायद ही कोई इंडस्ट्री में इस तरीके का और इस लेवल का कोई और निभा पाए। तो उन्होंने इस किरदार को कहते हैं ना कि जान फूंक देना, इसमें इस किरदार को बिल्कुल अमर कर दिया ये निभाकर। सो देयर्स रिचा रॉय हु सेज वाओ, थैंक यू। देन आदित्य रॉय हु सेज नाइस, थैंक यू वंस अगेन। श्रीधर जिन्होंने पूछा है डू यू फील देयर इज एनीथिंग एक्सप्लिसिट दैट नीडेड टू बी बैन। श्रीधर,
So the reason why this film had been banned was it's a lady-oriented movie where their fantasies are bigger than life. I think I'm not being perfectly same in the quote, but something like this, and there are contagious sexual scenes, if I remember it correctly. पहली बात तो लेडी ओरिएंटेड फिल्म, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन है, भाई साहब इतना क्या दिक्कत हो गया? ये क्या आपने पहले पार्च्ड नहीं देखा या कुछ नहीं देखा? पार्च्ड में जो बात थी, जो एक एक सेटिंग में ले जाके और रूरल विमेन एंड प्रोबेबली देयर यू वुड हैव फाउंड कि कहीं पे आप शायद रिलेट ना कर पाओ. दिस इज अबाउट विमेन दैट यू सी एवरी डे, दैट प्रोबेबली यू आर वन ऑफ देम एंड इट्स देयर दैट यू फाइंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट. नंबर वन दैट. नंबर टू क्या था? फैंटेसीज अबाउट लाइफ. अब यार अगर मेल सेक्सुअल फैंटेसीज होती है तो ये तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि फीमेल सेक्सुअलिटी भी होगी, है ना? मतलब कुछ कुछ तो हमें है ही नहीं यार. अगला देखते हैं नहीं, किसमें. और लास्ट पॉइंट जो था दैट्स कंटेजियस सेक्सुअल सीन्स. नो, देर इजेंट एनी सेक्सुअल सीन विच इज वेरी कंटेजियस. आई थिंक देर वॉज मोर वेलगैरिटी इन मूवीज लाइक मस्तीजादे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती एंड ग्रैंड मस्ती और वॉट एवर दोज काइंड ऑफ मूवीज दैट वी सी. दीपाली ने पूछा है, इज द मूवी वर्थ वॉचिंग फॉर ऑल मैन? हाई दीपाली, इफ यू आर गोइंग फॉर द मूवी मेक श्योर यू टेक योर फादर, योर ब्रदर, योर बॉयफ्रेंड, योर यंगर ब्रदर और मे बी ताऊ ताई दादा, जितने मतलब मेल कैरेक्टर, मेल मेंबर्स आई इन थिंक फैमिली. एवरी वन शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म सो एज टू अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाट्स द एसेंस, व्हाट्स व्हाट व्हाट इज दिस फिल्म ऑल अबाउट, व्हाई इज दिस फस ऑल अबाउट एंड इज इट रियली वर्थ द फस. देन सुरेश हैज सेड बोल्ड स्टोरी, बोल्ड गर्ल्स विद अ न्यू लाइफ एंड लिबर्टी टू यंग गर्ल्स. यस, दिस इज probably not so bold a story, but yes, attempting something like this after a long time or for the first time maybe, that is very good. And bold girls, all the girls, all the women, all the four main women characters, all of them have been brilliant. मतलब acting आप किसी wise को तो नंबर देंगे तो आप, मुझे लगता है कि चारों को आप पांच में से पांच ही देंगे, कि उन्होंने इतनी बेहतरीन अदा एक्टिंग की है, हर लेवल में हर किरदार में वो परफेक्ट थी. और अलंकृता, I'm sorry, अलंकृता बोल रही हूँ, अहाना एंड प्लबिता का ये फर्स्ट 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 है फर्स्ट मूवी. अहाना हैज डन अ फ्यू सीरियल्स एंड वेब सीरीज, प्लबिता को हमने बहुत कम देखा है. पहले शायद एक ही बार हमने देखा था, बट एक लेकिन तरीके की बड़ी फिल्म में आना और जो कि मतलब यहाँ पे लगेगा नहीं कि दे आर न्यू कमर्स और दे आर नॉट सो एक्सपीरियंस. जितनी अच्छे से छोटी छोटी पहलुओं को इन लोगों ने दिखाया है और जैसे इन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज से, या इट्स इट्स ब्रिलियंट. एंड हम एक चीज बताना भूल गए, फिल्म में मेल कैरेक्टर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिना मेल कैरेक्टर के ये फिल्म अधूरी थी. जैसे कि विक्रांत मैसी ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो विक्रांत मैसी नहीं, आई थिंक एवरीबडी एवरीबडी आई स्टार्टिंग मीन फ्रॉम सुशांत सिंह, फिर और चार किरदार के लिए शशांक. चारों मेल कैरेक्टर्स में हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो बताते हैं कि इनकी वजह से ये स्टोरी इतनी ढल पाई है या इस लेवल तक हाँ पहुंच पाई व्हाट है. द विमेन आर इज इन रिलेशन टू द मेन इन देयर लाइफ, सो हाउ द मेन एक्ट और हाउ द मेन make the environment around the women is how the women react or act to the situation. I think इसमें भी बहुत अच्छी पॉइंट ये दिखाई गई है कि patriarchy कैसे ना सिर्फ women को अफेक्ट करते हैं बट मेल्स को भी अफेक्ट करती बहुत है. ज़्यादा. These males have a sense of masculinity which they want to carry. Maybe probably none of them has an idea कि कैसे करूं, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे करना है और वो करने की कोशिश कर रहे हैं. चलो क्विकली लाइक लेट्स गो देयर. हेलो, हाय हाय सम. हंसिका सेड नाइस रिव्यू, थैंक यू हंसिका. श्रीधर इज अगेन कमेंटेड, ग्रेट नरेशन बाय बोथ ऑफ यू, आई कुड सी यू बोथ कॉन्फिडेंट. थैंक यू, इतनी कॉन्फिडेंस हमें ना लिपस्टिक देख के आ गई, लिपस्टिक लगा के आ गई. देन उमर फारूक ने बोला है, व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी हमने उमर बता दिया है, आप एक बार और देख लीजिए इस लाइव को, आपको समझ आ जाएगा. और कल रिलीज हो रही है तो चाहें तो आप देख सकते हैं, चाहें कि आपको जरूर जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि इस फिल्म को क्यों इंडिया में बैन किया गया था पहले.
पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये रिलीज हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं हुई थी। तो आपको ये जानने का हक है कि आप ये फिल्म क्यों देखें, तो एक बार जाइए और जरूर देखिए। सबको लेके जाइए, लेके और लिपस्टिक लेके जाइए। सो उषा, व्हाट विल बी योर रिव्यू फॉर द मूवी, लाइक योर रेटिंग? मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दूंगी, और क्योंकि ये फिल्म महिलाओं की इच्छाओं को उजागर करती है, जो कि पहले किसी फिल्म में नहीं किया है। लिपस्टिक अंडर माई बुरखा सिर्फ एक नाम है, लेकिन इसके पीछे जो बुरखा का यूज है, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो सिर्फ एक पर्दा है कि उसके बाहर किस तरीके से महिलाओं को, महिलाएं अपने आप को लाती हैं। तो ये मेरा रिव्यू है। मैं तो 5 में से 5 स्टार्स दूंगी, एंड टू टेल यू आई हैव जॉइंड द लिपस्टिक रेवोल्यूशन। सेम, आई डू लिपस्टिक रेबेलियन। सो गो वॉच लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, एंड इन केस यू आर वॉचिंग लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, do not forget to rate and review it on Desi Martini. Take all your friends, families, and tell all of them to go watch it and rate and review it, obviously, on our site. We will be back with a review of another film. But till then, stay tuned with us. Go and wear lipstick. Bye. Thank you.